गरियाबंद का किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। फिर चाहे वो विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के कारण हो या फिर ग्रामीणों के इलाज करवाने से मना करने के कारण हो, सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि एक साल में कोई मौत नहीं हुई है, जबकि मृतकों की संख्या यहां बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव में फिर किडनी की बीमारी से मरीज की मौत हुई है, जिसके चलते मृतकों का आंकड़ा 56 से बढ़कर 71 हो गया है। तो वहीं मरीजों का आरोप है कि शिविर का कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए शिविर बंद ही कर देना चाहिए। हाँ सर, शिविर में आना नहीं चाहते, आज 2 साल हो गया शिविर में आते आते, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आपबीती बताते हुए कहा है कि इसके चलते गांव में युवक युवतियों की शादी भी नहीं हो रही है, लोग गांव से दूरी बनाने लगे हैं। इसमें देखो ना सर, कहाँ लड़की मांगने जाने से तो नहीं बोल रहे हैं सर, हमारे गांव तो कितनी पीड़ित है, खराब है बोल के दुनिया आदमी लोग सुन रहा है, आसे पासे गाँव में बोल रहे हैं, तमन गाने का हौजा लागू छे बोलू छो। इस बात की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी की है कि गांव में लगातार किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब रुचि तो दिखा रहे हैं धीरे धीरे, आज हमने कम से कम 10 पेशेंट के आसपास देखे हैं, पहले से ज़्यादा पेशेंट आए हैं, और ये कई पेशेंट पुराने थे, कुछ पेशेंट एक या दो पेशेंट हमने नए भी देखे हैं। CMHO के द्वारा पहले से ही मतलब VMO को निर्देश दे दिया गया था कि किडनी कैंप ये होगा और पहले से निर्धारित था। जबकि विधानसभा में जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा था सिर्फ किडनी की बीमारी से मौत नहीं हो रही है। मीडिया के सामने हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं किडनी के कारण मृत्यु हुई, लेकिन जब सदन में बोलना है तो रिकॉर्ड क्या कहता है उसके आधार पर बोलना पड़ता है, और रिकॉर्ड मंगा के देखने पर ये बात सामने आ रही है कि उसमें मृत्यु का कारण हृदय की गति रुकना इत्यादि इस प्रकार की बातें लिखी रहती हैं। जबकि पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने भी आरोप लगाया है कि किडनी की बीमारी के चलते ही मौत हो रही है। तकनीकी रूप से कि किडनी इन्फेक्शन से हो सकता है, टॉक्सिसिटी से हो सकता है, दूसरी शराब पीने से हो सकता है, पेयजल में आर्सेनिक और दूसरी चीज़ों से हो सकता है, मगर ये तथ्य सभी विशेषज्ञों ने माना है कि किडनी फेल्योर से ही सारी मौत हुई है। जहां एक ओर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर सुपेबेड़ा के लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है और मौतें भी हो रही हैं। गरियाबंद से थानेश्वर साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।